नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस हमारे चैनल सुमित स्टॉक मैजिक में। तो गाइस आज की वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं 22 जून यानी कि कल के दिन के गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। तो गाइस यार आज की वीडियो में आप लोगों को स्टार्ट याद होगा गाइस मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि गाइस जैसी मार्केट 15,400 के ऊपर 30 मिनट सस्टेन करेगी, बड़ा ब्रेकआउट देगी, तो गाइस आज लगभग आपको यार 200 से 250 पॉइंट का निफ्टी में एक बहुत ही शानदार मूव ऊपर की साइड देखने को मिल गया होगा। तो होप यार आप सब लोगों ने अच्छा प्रॉफिट आज कमाया होगा। तो क्लियर कट में गाइस इस वीडियो में भी हम लोग यार बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की। तो गाइस सबसे पहले यार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मार्केट कहाँ से गिरेगी या कहाँ पर एक हर्डल बन सकता है। तो गाइस सबसे पहले यार हमारा जो रेसिस्टेंस बनने वाला है गाइस 15,900 15,950 का गाइस एक बहुत ही हर्डल खतरनाक बनने वाला है। गाइस खतरनाक क्यों बोल रहा हूँ आप समझो लॉजिक के साथ, बट गाइस याद रख लो इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करना थोड़ा यार भारी हो सकता है। बट गाइस जब ये वाला लेवल निकलेगा 16,000 का, तो गाइस आपको एक बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिल जाएगी मार्केट में 300 से 400 पॉइंट तक की। बट गाइस मैं क्यों बोल रहा हूँ खतरनाक, गाइस समझने की कोशिश करना। तो गाइस मोटा मोटा यार आप लोगों को समझ कुछ आ रहा होगा, मैंने कुछ ऊपर के लॉजिक के हिसाब से खडल बना दिया है। तो इसके हिसाब से यार गाइज ये वाला जो लेवल है हमारा 15,910 से लेकर गाइज 15,950, गाइज यार ये बहुत थोड़ा यार मतलब बोल सकते हो कि 200-300 पॉइंट और ऊपर निफ्टी के बाद अगर चढ़ेगी तो गाइज इतना तो आराम से मान के चलो कि यार 15,900 तो इजीली टच होने वाला है कुछ दिन के अंदर। मार्केट अभी थोड़ा बुलिश सेंटीमेंट के अंदर आ चुका है कि तो तेज़ी देखने को मिलती है, तो गाइज मार्केट तेज़ी ज़रूर दिखाएगा, थोड़ा डाउनफॉल दिखाएगा बट उसके बाद गाइज अगेन तेज़ी दिखाएगा। तो गाइज ये मान के चलो जो अगला हर्डल पड़ने वाला है वो ये लेवल का पड़ने वाला है, तो यहाँ के आसपास जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट वाले हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर लें, बट यहाँ तक निफ्टी के टारगेट इजीली हैं। तो गाइज ये बात हो गई हमारे रेसिस्टेंस की, कहाँ तक मार्केट जाएगी। बट गाइज इससे पहले आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा यार लाइक करना गाइज, बिल्कुल फ्री होता है तो लाइक बटन भी ज़रूर दबाएँ। अब बात करते हैं गाइज आपको किसके नीचे मार्केट को बाय करना है, मतलब किसके नीचे आपको उम्मीद है कि शॉर्ट हो मतलब मार्केट गिरेगा सीधा सीधा। तो गाइज जैसे यार मार्केट हमारा 15,530 के नीचे 30 मिनट सस्टेन करे, तो गाइज समझ जाना 15,530 के नीचे गिरावट आप लोगों को देखने को मिलेगी 15,500 और उसके बाद 15,400 तक की इजीली। तो गाइज 15,530 का लेवल आप लोग नोट कर लो नीचे की तरफ, इसके नीचे 30 मिनट सस्टेन होती है तो मार्केट गिर जाएगी। बट गाइज अगर मार्केट 15,560 को टच कर लेते हो 30 मिनट ऊपर ही सस्टेन कर लेती है, तो यहाँ से यार आपको एक बार तेज़ी अगेन देखने को मिल जाएगी गाइज। तो गाइज यहाँ पर अगर मिलता है तो बाइंग का भी मौका ज़रूर करें, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के गाइज 15,475 का। तो गाइज ये बात हो गई हमारे ऊपर और नीचे की निफ्टी की। बात करते हैं गाइज टारगेट की, तो टारगेट आपको मैंने बता दिया इजीली गाइज आपका टारगेट होना चाहिए 15,770 और 15,800 तक का आराम से। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो ये निफ्टी बैंक का अगर आप लोग चार्ट देख रहे होगे तो गाइज आपको हर्डल नज़र आ रहे होंगे इजीली 33,600 के आसपास। तो गाइज यार जैसी मार्केट हमारी 33,830 को गाइज 15 मिनट सस्टेन कर लेगी, तो यार आप लोग समझ जाना 33,830 के ऊपर एक आपको शानदार तेज़ी मार्केट में देखने को मिलेगी। गाइज आज भी यार मैंने आप लोगों को बताया था 33,000 के ऊपर एक बड़ी मूवमेंट मिलेगी, तो गाइज आपको 700-800 मूवमेंट की बढ़िया मूवमेंट आज देखने को मिल गई। तो गाइज अगेन बता रहा हूँ 33,830 के ऊपर ही मार्केट को बुलिश मूवमेंटम ले, अदरवाइज गाइज मार्केट क्या हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए फिर अगेन गिर सकती है। तो गाइज ये 15,600 से लेकर 15,700 का थोड़ा रेसिस्टेंस एरिया बनने वाला है निफ्टी बैंक के लिए। बाकी गाइज बाइंग की अगर आप लोग बात करें तो गाइज आपको अगर मार्केट बाय करके चलना है तो गाइज 32,840 से लेकर गाइज 32,960 के आसपास आपको मार्केट की बाइंग रेंज है। अगर इतने बीच के आसपास आपको निफ्टी बैंक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देता है गिरकर, तो गाइज ज़रूर बाय करें एक छोटा सा रेस्ट स्टॉप लॉस लगा के साथ। तो गाइज होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी कल का बाजार कैसा रहने वाला है। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।